नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई FB लाइव साक्षात्कार श्रृंखलाओं में, जिसका हमने नाम रखा है आपकी मेरी बात, इस श्रृंखला को और ज्यादा जमीनी स्तर तक जोड़े जाने की इस पहल में आज आपसे मुखातिब होंगे आबिद हुसैन नियाजी साहब। आबिद साहब ने अपने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने जो पारिवारिक मान लीजिए, पुश्तैनी मान लीजिए, जो व्यवसायिक रहा है इनका, वो व्यवसाय भी बहुत अलग से है क्योंकि आम आदमी उसके परिचित नहीं हो पाता है। तो दो व्यवसाय इनके जीवन में काफी प्रमुखता से रहे और जो वो व्यवसाय उनकी आजीविका को लेकर प्रमुख रूप से संबल देते रहे उनके जीवन को। तो अभी साहब, आभार आपका, आप यहाँ आए और साक्षात्कार शुरू करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि शुरुआत में आपके जीवन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां कैसी थी और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने अपना जो पुश्तैनी व्यवसाय है, जहां तक मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, तो आपको नियारिया भी कहते हैं, ढोल दुहाया भी कहते हैं, अलग अलग जगह की अलग बातें हैं, लेकिन आप उस प्रोफेशन से जुड़े रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपका बचपन किन जिम्मेदारियों से बंधा था और आपने कैसे इसको सीखा, समझा और ये क्या है। मेरी खुश नसीबी है कि आज जन सरोकार मंच के माध्यम से मैं आपसे कुछ कहने के लायक हूँ और मुझे याद किया उन्होंने और ये मौका दिया कि मुझे आप मेरी अपनी जीवनी को आपके सामने रखूँ। मेरी 8 साल की उम्र थी उस वक्त, मेरे पिताजी जो थे वो उनको नकबे का मर्ज हो गया था और वो बिल्कुल उनका एक हाथ एक पैर बिल्कुल काम नहीं करता। अब सारी जिम्मेदारी, क्योंकि 6-7 बहन भाई और थे, हम 3 बहनें और 4 भाई, सारी जिम्मेदारी और सारा बोझ मेरे पैर में था। तो सुबह 4 बजे में उठ के, जबकि दुनिया के बच्चे सोते होते थे और मैं बाजार में होता था, तो बाजार में क्या करने बाजार में जाता था, किस लिए वो भी बता देता हूँ आपको। ये जो हमारा पेशा है, जो व्यवसाय है, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, 1400 साल पहले से चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के आखिरी नबी थे इस्लाम के अंदर, उनका दंदाल मुबारक शहीद हो गया था किसी जंग के अंदर, जंग का नाम भूल गया हूँ, जंग बहुत था या जंग बदर था उसके अंदर। उस वक्त वो उसकी तलाश के लिए कुछ अपने साथियों को, जो सहाबत है, उनको उनसे फरमाया कि जाओ ढूंढ के लाकर लेकर आओ। तो वो लोगों ने तलाश की उस रेत के अंदर और उसको ढूंढ कर लेकर आया कि वहां से मैं इसकी इबादत कर रहा हूँ। मैं इसको नई जानकारी मेरे लिए तो नई जानकारी थी और नई जानकारी है, लेकिन मैंने इस्लामी इतिहास में इसको पढ़ा है, उस सुना भी है आलिमों से कि ये वाकया पेश आया था। तो ये व्यवसाय जो कारोबार है, ये धंधा है, ये वहां से चलाया भी धीरे धीरे सहाबा से, जो आपके भक्त थे या आपके जो साथ रहने वाले थे, वो उनके साथ में वो ये उसमें से किसी ने इसको अपना लिया और जो जहाँ जेवर का काम होता था, सोने का चांदी का, वहां जो काम करने के बाद में जो वहां सफाई की जाती थी, जो उसका कचरा होता था, वो एक तरफ उठाकर रख दिया करते। ठीक। तो उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी ये सदियों से चलता रहा है, चलता रहेगा और जब तक दुनिया कायम चलता रहेगा। जब मैंने अपनी जिंदगी थोड़ा सा शऊर आया, मैं समझ आई, मेरे में होश आया कि भाई ये क्या करें, तो वो जो पिताजी का जो मेरा काम था वही मुझे सामने आया, क्योंकि मुझे साथ भी ले जाया करते थे अपने साथ, कहीं भी किसी का चांदी साफ करना है किसी दुकानदार का या किसी का सोना साफ करना है तो मैं साथ जाया करता था। अब जो बीमार हो गए तो मुझे फिर वो काम करना पड़ा, जबकि मैं आता नहीं था मुझे, उसके बावजूद मैं इतना जरूर कर लेता था कि बाजार से जाके
और सुनारों की दुकानों पे, क्योंकि वो हमारे पिताजी ने उनको एक एक साल के लिए उनको बांध रखा था और उनको पैसा देते थे, और एक साल तक उनका वो सोरा हुआ जो कचरा था, जो वहाँ की डस्ट थी, मिट्टी थी, वो इकट्ठा कर दिया करते, रोजाना हम वहाँ से ले आया करते थे उसको ला करके। ये सब सुनारों की दुकान, सुनारों की दुकान, इसके अलावा कोई काम नहीं था। और उसको ला करके घर, और उसको हम पानी से धोते थे, धोने के बाद में उसको साफ करते थे, उसमें तांबा, पीतल, लोहा, जस्ट, सोना, चांदी, हर तरह की धातु होती थी, हर तरह की चीज होती थी उसमें, उसको सबको अलग अलग करते थे, और उसके बाद में सोना चांदी को निकाल करके और हम बाजार में जाके सर्राफ को बेचे आया करते, उससे हमारा रोज का घर का खर्चा चलता था। और जिस दिन कुछ नहीं होता था उस दिन ये होता था हालात कि हमें जो है अड़ोसी पड़ोसी क्या से कभी आटा मांगना पड़ता था, कभी मिर्चे मांगना पड़ती थी, और उसको चटनी बांट के, जैसे पुराने लोग कहते हैं चटनी पे दो दो मिर्चे पीसो और रोटी खा लो, तो हमारे हालात ऐसे थे। नहीं तो साहब, अभी साहब यहाँ थोड़ा सा एक जिज्ञासा जागती है जी, कि सुनार तो ऐसा कहा जाता है उसके बारे में बड़ा बारीकी होता है, तो उसकी दुकान से कचरा जो निकल रहा है, झाड़ू लगा रहा है वो, उसमें से भी जैसा आपने बताया कि चांदी, सोना, तांबा, पीतल ये निकल जाता है, तो कैसे बच जाता है उसकी आंख से? ये क्योंकि कुदरत की लीला जो है वो अपार है, बिल्कुल वो जहां से चाहता है जिसको दे देता है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, हमारा रोजगार और हमारा व्यवसाय इसमें जोड़ दिया उसने, ये ईश्वर की लीला है सब, कि खुदा ही जानता है कि किसको किस तरह किसका पेट भरना है। ठीक, तो हमारा रास्ता एक ये बना दिया उसने, वो जो दिख जाता था तो वो उठा लेता था, और जो उसको दिखता नहीं था उसको मालिक पता नहीं, उस वक्त वो आंखों की रोशनी छीन लेता था, और वो जो है एक तरफ हो जाता था, और वो हमारे उसमें आ जाया करता था। तो हम जो है 12 महीने की रोटी उसमें निकाल लिया करते थे, और अपने दोनों वक्त हमारे पूरे परिवार का पेट पाल लेते थे हम उसके। जब वो बीमार पड़ गए तो वो सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई, फिर तीन बहनों की शादी और चारों भाइयों की, मैं मुझसे मुझसभी चारों की हमने शादी करी। ये पूरा वक्त हमें कम से कम 25 साल में हमने इसको गुजार के, मेरी उम्र हो गई फिर 27-28 साल जब जाके मेरी शादी हुई, और ये तमाम हालात और जिस तरह से गुजरते गए बच्चों को, इस गरीब गुर्बत की वजह से उनको शिक्षा भी नहीं मिल पाई, ना तो बच्चियों को ना बच्चों को, इतना ही पढ़ सके कि वो रोजमर्रा का काम कर लें। और मेरी भी शिक्षा जो इतनी है कि मैं कोई चीज आ जाए तो उसे पढ़ लूं और लिख लूं, बस इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन व्यवहार ताल्लुकात शहर में इतने हैं और हो गए हैं कि हर आदमी मुझे जानता है, पहचानता है। अब क्या है कि ये काम लुप्त हो गया करीब 10-15 साल से, बिल्कुल खत्म हो गया ये काम, इसलिए उस काम को बिल्कुल धीरे 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 जो समझो कि कम हो गया, और इतना कम हो गया कि नहीं होने के बराबर। नहीं, ऐसा क्या कारण था? कारण रात तो अभी बन रहे हैं, कारण उसका बताइए, मैं बताऊंगा आपको। उसका कारण ये हुआ कि पहले बड़े कारखाने नहीं थे, जो उद्योगपतियों के पैसे वालों के कारखाने नहीं हुआ करते थे उस जमाने इस लाइन में। लेकिन अभी 20-25 साल से ऐसा हुआ है कि वहाँ बड़े बड़े किलों क्विंटलों से सोने का माल उन्होंने कारीगर बिठा रखे हैं, 100-200, और वो बना रहे हैं उसको, और वो डिजाइन लेटेस्ट डिजाइन में बना करके और ला करके वो यहाँ दुकानदारों को, जब वो बना बनाया उनको बजाय 15 वेस्टेज के बजाय उनके 5-6 वेस्टेज में मिल जाएगा, तो वो क्यों यहाँ बनवाएंगे किसी? इसलिए काम लुप्त हो गया। दूसरे जो किसान भाई हैं, हमारे गांव का क्षेत्र है, और जो किसान लोग आते हैं उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, वो ऐसा जेवर पहनती थी कि वो देसी सुनार ही बनाया करते थे। लेकिन ठीक है, वो धीरे 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 वो उनका चलन खत्म हो गया, अब वो भी पाजेब पहनने लगे जैसे शहर के लोग पहनते हैं, तो वो क्या है काम खत्म हो गया उनका भी, सुनारों को बिल्कुल बेरोजगार से हो गए हैं। अब तो क्या है, बेईमानी करो तो कमा लो, और ईमानदारी से तो कोई पेट नहीं भरता। एक बात थोड़ी सी बताएं आप, मैं किसी व्यवसाय की निंदा नहीं कर रहा, उसको गलत नहीं ठहरा रहा, व्यवसाय सबका व्यवसाय होता है, लेकिन सुनार के लिए कहा जाता है कि वो अपनी माँ की नथनी से भी सोना निकाल लेता है, होता है। बिल्कुल सही, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है आपने जो फरमाया, मैं उससे असहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप 1 तोला का कुछ जेवर बनाने गए उसके पास, अब उसके अंदर 1 ग्राम तो टांका लगाएगा ही, क्योंकि झलेगा नहीं बना टांके, वो जो टांका लगेगा
उसमें आधा सोना आधा तांबा और आधा पीतल होता है और आधा चांदी होती है उसमें। ठीक है, वो उसके आधा ग्राम सोना तो जाएगा उसमें और आधा ग्राम उसको बचेगा। अच्छा। इसलिए वो निकाल लेता है। और आप जब उसको दोबारा आप बेचने जाओगे तो एक ग्राम कम में बिकेगी आपको, 9 ग्राम रह गया आपका 10 ग्राम। ठीक है, ये है वो। इसमें तो देखिए जैसे आपने बताया वो तो आधा तो जस्टिफाइड है कि वो आधा तो टांगे में चला जाएगा या चल। इसके अलावा वो कहता है छीजत, ये छीजत क्या होती है? छीजत ये होती है कि जैसे गलाने के लिए बैठा हो, एक तोला सोना अगर उसने गलाया तो कम से कम एक रत्ती सोना उसमें से उड़ेगा। अच्छा, उड़ जाएगा, उड़ता वो छीजत आती है हमारे कचरे में। अच्छा, जब वो एक तोला का जेवर घड़ने बैठेगा, एक रत्ती दो रत्ती उसमें भी जाएगा घड़ने के अंदर, बारीक फांस भी काटेगा वो कतिये से, उसके बाद में वो तार भी खींचेगा उसका, उसका पत्थर भी करेगा, उसके बारीक बारीक पीस भी करेगा, तो कोई ना कोई तो मिस हो ही गए। तो उसके अंदर से एक दो रत्ती छीजत मानते हैं तोला। ठीक है, तो दो वो कचरे में आता हमारे, इस वजह से वो हमारे कचरे में आता। नहीं, मैंने सुना है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं, शायद आप भी ऐसा करते हो, पूरे साल भर का ठेका ले लिया। हाँ, ये क्या प्रथा? बिल्कुल सही है, उसकी वजह ये। हम अगर एक साल पहले उनको 50,000 में कोई दुकान है, हमारे उसके तय हो गया कि हम तुम्हें साल के 50,000 रूपए देंगे। ठीक है, अब 50,000 रूपए हमने एडवांस दे दिया, उसका ना ब्याज है ना भट्टा है कुछ नहीं। अच्छा, वो उसको दे दिए, अब वो पागल हो गया तो वो अपना कचरा किसी और व्यापारी को नहीं देगा, किसी और काम करने वाले को नहीं देगा, कोई कहीं से भी कितने भी पैसे दे। न्यायागर कोई न्यायालय आया, बाहर से आया, उसने कहा सेठ जी है क्या कुछ, उसने कह दिया भाई बना हुआ है। इस वजह से वो पागल कर देते हैं उसको, और अगर हम उनको एडवांस पैसे नहीं देते हैं तो फिर वो उसकी मर्जी है, वो किसी को भी दे, किसी को भी। इस वजह से उसको हम पागल कर देते हैं, ताकि उसको बंदिश में कर दिया, बंधवा कर दिया उसको, अब वो किसी को नहीं देगा। तो साहब जीवन का एक पक्ष तो ये हुआ कि आपने इस प्रोफेशन को चलाया और इसके आधार पर ही आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करी जी। लेकिन जैसा आपने बताया कि अब वो व्यवसाय उस कदर नहीं है, रास नहीं आ रहा लोगों को, और लोग अपना व्यवसाय भी बदल रहे हैं, बहुत में बदल गया। तो आपने भी शायद अपना व्यवसाय थोड़ा मैंने सा भी बदला है। थोड़ा सा क्या, मैंने तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी कम से कम 20 साल से इस व्यवसाय को मुझे दिख रहा था ये कि आने वाला जो आने वाला वक्त है वो समय है वो शायद हमारे अनुकूल ना हो, इस वजह से मैंने धीरे धीरे इसको बदल के और इत्र के काम में, क्योंकि मैंने 20 साल इत्र की दुकान पर बैठा हूँ। अच्छा, इस काम के साथ साथ तो मुझे मेरे मोहब्बत करने वाले जो प्रेमी थे उन्होंने कहा भाई ये काम तो एक दिन खत्म हो गया, खुद सुनारों ने कहा कि हमें दिख रहा है कि एक दिन खत्म हो जाएगा, तुम दूसरा का काम तुम्हें ये आता है, तुम इसको काम को शुरू कर दो। तो मैंने उनकी प्रेरणा लेकर के और उन्होंने ज्यादा मुझे मजबूर किया और प्रेस किया, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उस काम को बढ़ाया, आज इतना बढ़ गया वो कि मुझे मेरा रोटी रोजी उसी से चल रही है और मैं खुश हूँ बिल्कुल, और किसी बात का मुझे कोई कमी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि अब जैसे अपना राजस्थान है जी, तो राजस्थान में कहाँ कहाँ इत्र का उत्पादन होता है और प्रमुख रूप से कौन से इत्र, कौन सी किस्म के या किस नाम के ज्यादा राजस्थान में पसंद किए जाते हैं, ऐसा कुछ जानकारी हो आपको तो बताइए। मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे मालूम है, मेरी मालूमात है इस 40 साल में जो मैंने मालूम किया और जो मेरा तजुर्बा है, अनुभव है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मेन हिंदुस्तान में इसका गढ़ है, जो मेन है वो तो है कन्नौज यूपी। अच्छा अच्छा, उसके बाद में फिर आता है दूसरा नंबर कलकत्ता का, और तीसरा नंबर जो आता है वो बंबई का। तो वहाँ उनका उत्पादन होता है, ये वहाँ तैयार होते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, अरबों रुपए उन्होंने मशीनों में वहाँ अपने केमिकल में लगा रखा है, और करोड़ों रुपए का उनका बाहर विदेशों में जाता है उनका। राजस्थान में कोई है? राजस्थान में कोई फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, जयपुर में है, लेकिन क्या है वो लोकल माल बनाती है, वो ऐसा है सेंट टाइप। अच्छा अच्छा, जो रोजाना रोजमर्रा के पूजा में दरगाहों पे ले जाने के लिए 10 रुपए 5 रुपए की शीशी वो माल बनाते हैं। तो सेंट अच्छी क्वालिटी का कोई सेंट, जैसे हमने कहा ये थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द भी लगता है, तो ये सेंट और इत्र में क्या बेसिक फर्क नजर आता है, कैसे पहचानेंगे? सेंट में फर्क ये है कि इत्र बनता है सिर्फ खालिस फूलों से।
अच्छा, और उसके अंदर संदल का जो चंदन का तेल होता है वो सबसे ज्यादा महंगा है इस वक्त, उसके तेल पर ही जो बनता है वो असली इत्र है। तो उस चंदन की महक नहीं आएगी उसमें, उसका उस खुशबू को वो खत्म कर देते हैं केमिकल डाल के। अच्छा। हटा देते हैं उसको, सिर्फ वो तेल रह जाता है, और अगर उसकी हटाते नहीं है तो वो चंदन का इत्र बन जाता है। अच्छा। उसको चंदन के इत्र में काम आ जाते, लेकिन उसको साफ करके कोई भी इत्र अगर जो देसी होगा उसको संदली जरूर लगा हुआ होगा उसके ऊपर, संदली खस, संदली हिना, संदली मोगरा, संदली केतकी, संदली मोरचली, वो संदल पे आता सब। अच्छा। और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है वो, हजार रुपए से लगा के 5,000, 10,000, 20,000 तक का भाव। ये तोला किलो? जी नहीं, किलो में है नहीं, ये तोला में है। अच्छा। तोला में अच्छे किस्म का इत्र है, वो गुलाब है। अभी तमाम खेती है वहाँ पर, ये हाथरस में पूरा गुलाब की खेती होती है, सारा गुलाब का इत्र जो है वहाँ से निकलता है, और वो हाथरस से सीधा वहाँ फैक्ट्रियों में जाता है, और वहाँ से उसकी कई किस्में बनती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अच्छा। तीन तरह का इत्र वहाँ बनता है, तीन को चार पांच तरह का बन जाता है, बाकी फिर वो केमिकल में बना लेते हैं, वो सस्ता आता है, वो आपको 100 रुपए की 100 ग्राम की शीशी मिल जाएगी, लेकिन जो असली वाला है जो प्योर इत्र है वो आपको 1,000 रुपए की एक तोला ही मिलेगा। क्या बात, 1,200 रुपए का एक तोला मिलेगा, 2,000 का एक तोला मिलेगा, वो नहीं है उसमें, उसमें ये फर्क। ये तो आपने अच्छी जानकारी दी, लेकिन अभी भी इत्र को लेकर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों में इस बारे में जानकारी, जागरूकता नहीं, जागरूकता। और अब तो ये परफ्यूम परफ्यूम, लेकिन अपने यहाँ सर्दी की ऋतु होती है, बरसात की ऋतु होती है, गर्मियों की ऋतु होती है, तो ऋतुओं के अनुसार भी आप थोड़ा जानकारी दें कि कौन कौन से ऋतु में कौन कौन से इत्र ज्यादा देखिए पॉपुलराइज हैं, लोग पसंद करते हैं। एक साल में तीन मौसम आते हैं जी, गर्मी, बारिश और फिर सर्दी। ठीक है। तो पूरी गर्मी जो मौसम है, गर्मा का जो मौसम आता है, इसके अंदर गुलाब, खस, मोगरा और मोरसली, केतकी और कुछ दीगर नामों के जो इत्र हैं वो काम में लिए जाते हैं इसके, और उसके बाद गर्मी के बाद जब बरसात लगती है उस वक्त इत्र गिल आता है। अच्छा। जो कि मिट्टी से बनाया जाता है, मिट्टी का अंश निकाला जाता है वहां पर भट्टियों में, कमाल की बात, सिर्फ मिट्टी का, सिर्फ मिट्टी को क्या गर्म करते हैं उसको, वो क्या है पानी में उबालते हैं मिट्टी को उबालते हैं। अच्छा। अब उसकी जो भाप निकलती है वो एक एक बूंद करके नली के अंदर से वो आती है, उसके कारखाने बाकायदा लगे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी देगा चढ़ी हुई है, और उसके अंदर वो एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद, आप उसको सुनेंगे तो आप यही महसूस करेंगे कि यार कहीं किसी मिट्टी पे पानी डाला है किसी ने, उसकी भपका आ रही है, सुगंध आ रही है बारिश में, जैसे मिट्टी के डेले पर जैसे बारिश की बूंद पड़ी, तो अब वो जो उसकी भाप आएगी वो खुशबू वही आएगी मिट्टी। अच्छा। तो इत्र गिल आता है काम में। अच्छा। बरसात के दिनों में जब, तो वो बेहतर होता है। ठीक है। एक बरसात के दिनों में ज्यादातर लोग चमेली का इस्तेमाल करते हैं, मोगरे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मौसम दोनों मिले हुए होते हैं, कुछ गर्मी होती है, कुछ बारिश का मौसम होता है, कभी कभी हल्की सी ठंड हो गई, कभी जरा से तेज गर्मी पड़ गई, इसके अंदर ये दो तीन चीजें ज्यादातर गर्मी इसमें बारिश में ज्यादा काम में आती है। ठीक है। जब बारिश निकल जाती है आ जाएगा मौसम सरमा, उसके अंदर हिना जो के मेहंदी के पत्तों से तैयार होता है। अच्छा। मेहंदी के पत्ते जो हरे आते हैं उनको, गीले पत्तों को वहां पर भट्टी में डाला जाता है, उसके साथ में ये तमाम मसाले जो भी होते हैं, और ये अपने वो आती है कश्मीरी एक वो आती है जाफरान। अच्छा। कश्मीर की जाफरान आती है, स्पेन की जाफरान आती है, जाफरान का उसमें प्रयोग किया जाता है। अच्छा। उसका इस्तेमाल होता है, तब वो जाफरानी हिना, मुश्क हिना। अच्छा। उसमें मुश्क डाली जाती है तो मुश्क हिना हो जाएगा। मुश्क क्या होती है? मुश्क जो होती है वो व्हेल मछली, जहां तक मुझे मालूम हो व्हेल मछली जब अपनी मस्ती पर आती है, मेरे उस्तादों से जैसे मैंने गुरुओं से सीख बताया उन्होंने,
वो मुझे याद है कि वो व्हेल मछली जब अपनी मस्ती पे आती है तो वो एक झाग समंदर के ऊपर छोड़ देती है। अच्छा। वो सूख जाता है, वो सूख जाता है, सूखने के बाद में ये मछुआरे जो है वहां से उठा लेते हैं। अच्छा। उसमें इतनी खुशबू होती है, पानी में तैरता रहता होगा, सूख जाता है वो पड़ा पड़ा पानी के ऊपर, वो इतना सख्त होता है, उसको ले जाकर के वो जो है यहाँ पर बाजार में बेच देता है। अच्छा। तो वो मुश्क होता है, असली मुश्क वही होता है, उसका बहुत महंगा है उस वक्त, तो निकाता बहुत कम है। अच्छा। बहुत कम तादाद में आता है। तो मुश्क का कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी अत्र ले लीजिए, मुश्क जिसमें डाला हुआ वो महंगा ही है। ठीक। तो सर्दी में ये, सर्दी में ये शमामतुल अंबर है, उसके अंदर अंबर डलता है, अंबर बहुत महंगा है। अंबर क्या चीज है? अंबर ये मुश्क, अंबर यही होता है, मुश्क और अंबर दोनों को अंबर कहते हैं, उसको अंबर भी कहते हैं, मुश्क भी कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो एक ग्राम 35,000 रुपए का इस वक्त, तो हकीम साहब ने दवाई में डालने के लिए वहां फोन किया था कारखाने में, तो उन्होंने कहा 35,000 रुपए का ग्राम है, तो भाई इतना महंगी तो मैं दवा किसको बेचूंगा। तो उन्होंने बेचारों ने फिर मना कर दिया, उन्होंने भाई मैं मुश्क नहीं डालूंगा, अंबर नहीं डालूंगा, बिना मुश्क भी बेच दूंगा। ये हालात है इसके। और इसके अलावा तो फिर ये मोगरा है, मोगरे का बेहतरीन वो निकालते हैं जूस, इसका एक एक बूंद निकालते हैं और मोगरे का बेहतरीन वो बनाते हैं, इतने वो असली वाला होता है। इसके अलावा खस होता है, ये घास होती है, घास होती है कुदरती जो कि जमीन में पैदा होती है। अब उस घास को निकालने के बाद में उसको भिगोया जाता है, फिर उसको भट्टियों में चढ़ाया जाता है और रात और दिन 24 घंटे वो भट्टियां चलती हैं, जब जाके उसकी एक एक बूंद उसमें से टपकती है उसका अंश, और उसके अंदर फिर वो संदली जो तेल है। अच्छा। वो उसके अंदर मिक्स किया जाता है उसके अंदर, फिर उसमें पकाया जाता है उसको, जब जाके खस तैयार होता है। ये हालात इसके इत्र के हैं, जो देसी इत्र है उनका तो ये तरीका है बनाना। ठीक है। और जो अंग्रेजी और या हम बाहर जो जाते हैं तो कोई परफ्यूम ले आया, कोई क्या लिया, ये सारे केमिकल होते हैं, मल्टीफ्लावर होते हैं, ये कुछ देर के लिए तो काम करते हैं, उसके बाद में उड़ जाते हैं। जैसे हम बाजार में निकलेंगे धूप में थोड़ी देर चलेंगे, ये हवा लगेगी थोड़ी देर बाद खुशबू खत्म हो जाएगी। देसी इत्र में ये बात है कि आप उसको लगा लें या उसके रुई में लेकर रख लें, आपके पास रुई जब तक है तब तक उसकी खुशबू कहीं नहीं जाएगी, कपड़े पर से भी 24 घंटे से पहले नहीं जाएगी। बात यह है कि इत्र जैसी चीज का ये तो आम देखा जाता है कि लोग आस्था में जी, पूजा अर्चना में अपने देव देवताओं को भी चढ़ाते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोगों को कुछ तो एक जमाने से चला हुआ एक वो है कि लोग पसंद करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और पूरी उम्र करते हैं। कोई इसका और भी आयुर्वेदिक या दवाइयों में या कहीं और भी इसका उपयोग होता है? हाँ, इसमें ये जितनी भी यूनानी दवाइयाँ हैं। अच्छा। आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति की जो है ये यूनान से जो निकली हैं, इसको हमदर्द का नाम दिया गया है और यूनान से निकला है। अच्छा। तो धन्वंतरी सबसे पहले हकीम हुए हैं हिंदुस्तान में, अवैध थे और हकीम लुकमान। अच्छा। जिनका जिक्र कुरान में भी आया है, काफी नाम है उनका नाम। तो ये उन्होंने ये जड़ियों से बूटियों से काम लिया है, उसकी दवाइयां तैयार की हैं और लोगों पे इस्तेमाल किए हैं और वो फायदेमंद है और आज भी फायदा कर रही है। अब इस इत्र का वजह ये बताऊंगा आपको कि बहुत सी बात इत्र ऐसे हैं कि जो बहुत सी बीमारियों को भी दूर करते हैं। इस वजह से वो उसमें डाला जाता है, बहुत से लोग अपने जिस्म पे जो लगाते हैं कि बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अच्छा। तो इसलिए बुजुर्ग हमारे बड़े जो थे वो ये बताया करते थे बुजुर्ग कि भाई ये खाली खुशबू नहीं है बल्कि ये एक तरह की दवा भी है, इसको लगाओगे तो बहुत सारी बीमारियां तुम्हारी वैसी ठीक हो जाएंगी। अच्छा। और इत्र नहीं लगाओगे तो बहुत सारी बीमारियां तुम्हारे पर हावी हो जाएंगी। ऐसे ऐसे कोई किसी और दो बीमारी का जिक्र करेंगे आप? बीमारी को क्या बताऊं आप, एक साहब के एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के यहाँ गए, वो उन्होंने ट्यूब दे दी और गोलियां दे दी कि ये लो, मगर उनकी तकलीफ कम नहीं हुई, 24 घंटे हो गए। वो आए, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हो गया और तमाम पूरा चेहरा छिल गया, उनका घुटने छिल गए क्योंकि गाड़ी स्लिप हो गई उनकी। तो पुराने जमाने में हमारे बुजुर्गों ने जो उस्ताद थे हमारे जो गुरु थे उन्होंने बताया था कि ये जख्म को भरने में बहुत काम था।
तो हिना कायतर जो है जाफरानी हिना जो आता हिना जो होता है इसका संधरी हिना आप उसको लगा लीजिए दो रोज दो दिन में आपका जख्म भी भर जाएगा और आपका खुरन भी हट जाएगा निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा जख्म में कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं जरा सी चिड़चिड़ाहट तो लगेगी लेकिन उस जख्म को भर देगा और अगर बराबर उसका इस्तेमाल दो आठ दिन कर लिया आपने तो आपको निशान तक नहीं है। ये मेरा आजमाया हुआ है। न्याय साहब आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो मुझे भी नहीं पता थी और हमारे सभी दर्शकों को भी शायद पता हो लेकिन अंदाजा यह है कि नहीं पता होगी क्योंकि आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी और आपके अनुभव हैं आपने इन सब से हमें रूबरू कराया। हम आभारी हैं और समय की बात बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आपका आपका भी आभारी हूँ और इस मंच का भी आभारी हूँ जो मुझे मौका दिया। मेरी खुशकिस्मती है कि देवेंद्र जी ने और अशोक सक्सेना साहब ने मुझे बुलाया और मेरी अपनी जो भी अंदर की बात थी वो बाहर आई ताकि आम जनता तक वो पहुंचे और अगर इसको अच्छा लगे तो लाइक करें और नहीं तो कोई बात नहीं। शुक्रिया शुक्रिया।